A very good morning, children. Today in English literature, we will do chapter 13, Ninda's Adventure. Children, आज हम आप लोगों को एक पेज एक्सप्लेन करेंगे, कल नेक्स्ट पेज, ठीक है? Where did you go for a holiday last year? Did you stay in a hotel? Read the story about little girl's vacation. तो ये स्टोरी ये लिटिल गर्ल के बारे में है, इसका नाम निंदा है, ठीक है? तो वो अपना वेकेशन में कहाँ गई उसके बारे में बता रहा है. इट वॉज समर इन मुंबई. मुंबई में क्या था? समर था. इट वॉज वेरी हॉट. तो बहुत गर्मी का दिन था. समर में तो बहुत गर्मी रहता है. फिर निंदा एंड हर पेरेंट्स वेंट टू शिमला, अ हिल स्टेशन फॉर अ हॉलिडे. तो निंदा और उसका पेरेंट्स कहाँ गए? शिमला गए छुट्टी मनाने, ठीक है, गर्मी छुट्टी मनाने. निंदा लव्ड द होटल. निंदा को होटल बहुत पसंद आया. शी कुड सी द माउंटेन्स फ्रॉम द विंडो. तो उसको विंडो से क्या दिखता है? माउंटेन्स दिखता है. देयर वॉज अ पाइन ट्रीज एवरीवेयर. बर्ड एंड स्क्विरल्स केम टू ईट द पाइन नट्स. दे ट्रिप्ड एंड स्क्वैक्ड ऑल डे. तो बर्ड्स और स्क्विरल क्या करना खाने आता है? ये पाइन नट्स खाने आता है और चीची करते रहता और अपना आवाज निकालते रहता पूरा दिन, ठीक है. वन आफ्टरनून निंदा वॉज बोर्ड. शी फाउंड अ ट्राईसाइकल इन द होटल. तो एक दिन क्या हुआ, ये बोर हो गया दिन के टाइम में बैठ निंदा, और उसको क्या मिला होटल में? ट्राईसाइकल मिला चलाने के लिए, ठीक है. कैन आई राइड द साइकिल मदर, शी आस्क्ड. यस बट स्टे क्लोज बाय, द होटल इज ह्यूज. तो अपना मम्मी से पूछती है, क्या हम साइकिल चला सकते हैं मम्मी? तो मम्मी बोलती है, हाँ चला सकते हो, बट होटल बहुत बड़ा है तो नजदीक रहना, ज्यादा दूर मत जाना. यू मे गेट लॉस्ट, मदर सेड. ओके मम्मा, निंदा सेड एंड सेट ऑफ. तो बोलती है, तुम यहाँ वहां ज्यादा दूर मत जाना, हरा जाओगी, ठीक है. तो वो बोलती है, ठीक है मम्मा करके. सून सी स्पॉटेड अ स्क्विरल. तो सून उसको क्या दिखता है? स्क्विरल दिखता है. इट वॉज सो क्यूट. उसको बहुत प्यारा लगता है वो. आई विल गिव इट सम नट्स, शी सेड एंड साइकिल टुवर्ड द स्क्विरल. तो उसको वो नट्स देने के लिए उसका पास जाती है, ठीक है, स्क्विरल के पास जाती है. बट द स्क्विरल वॉज साय. इट रैन अवे व्हेन निंदा केम क्लोज. शी फॉलोड इट. द स्क्विरल स्टॉप्ड. Ninda cycled toward it. The squirrel ran and stopped again. तो उसको जब फॉलो करती है, ये स्क्विरल भाग जाती है, फिर रुकती है, फिर भाग जाती है, फिर रुकती है उसे डर के, ठीक है. Ninda walked slowly toward the squirrel. She took out two almonds from her pocket and kept them in her hand. तो Ninda उसके पास जाती है, वो क्या करती है, almond निकाल के अपना हाथ में रखती है उसको देने के लिए, ठीक है. आज इतना ही समझो चिल्ड्रन, कल हम नेक्स्ट समझाएंगे. थैंक यू चिल्ड्रन.